हेलो दोस्तों, गैजेट गुरु में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे पास है रियलमी 2 और आज मैं इसमें डुअल 4G वैलिडिटी टेस्ट करने वाला हूं। देखने वाला हूं एक साथ दो जियो सिम काम करता है या नहीं, और जियो 4G और वोडाफोन 4G एक साथ काम करता है या नहीं, और इसमें मैं माइक्रो एसडी कार्ड भी लगा के देखने वाला हूं तीनों एक साथ काम करता है या नहीं। तो आप ये वीडियो को पूरा देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे मिलता रहे। तो रियलमी 2 में आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट दिया गया है, यानी एक साथ आप दो सिम और माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हैं, जो कि काफी अच्छा बात है। तो मैं माइक्रो एसडी कार्ड लगाऊंगा और एक जियो सिम लगाऊंगा और वोडाफोन 4G का सिम लगाऊंगा, देखूंगा एक साथ तीनों काम करता है या नहीं। तो चलिए सिम ट्रे को मैं निकाल लेता हूँ पहले। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक वोडाफोन सिम लगाया हूँ, एक जियो सिम और माइक्रो एसडी कार्ड लगाया हूँ 16 GB का। तो चलिए इंसर्ट करके देखते हैं काम करता है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए माइक्रो एसडी कार्ड सपोर्ट हो चुका है, तो आपको मैं दिखाता हूँ। और देखिए यहाँ पे आपका सिम भी सपोर्ट कर चुका है। तो यहाँ पे देखिए आपका अभी भी टावर नहीं आया, देखिए 1 मिनट टावर आ चुका है। तो चलिए देख लेते हैं पहले। तो चलिए पहले माइक्रो एसडी कार्ड को देख लेते हैं, माइक्रो एसडी कार्ड सपोर्ट किया है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए माइक्रो एसडी कार्ड आपका सपोर्ट कर चुका है, जैसे कि देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए दिखा रहा है 14.8 GB का माइक्रो एसडी कार्ड है, जो कि काफ़ी अच्छा से सपोर्ट कर चुका है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं फाइल मैनेजर ऑन कर लेता हूँ, तो फाइल मैनेजर ऑन करके आपको दिखाता हूँ एक मूवी प्ले करके। तो यहाँ पे देखिए माइक्रो एसडी कार्ड, तो यहाँ से मैं एक वीडियो प्ले कर लेता हूँ, वीडियो प्ले करके आपको दिखाता हूँ। चलिए काफी अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे कि देख रहे हैं माइक्रो एसडी कार्ड काफी अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है इसमें। और चलिए देखते हैं सिम सपोर्ट किया है या नहीं। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ देखेंगे तो देखिए आपका दोनों ही सिम दिखा रहा है, तो आपको मैं दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपका 4G सिम दिखा रहा है। तो चलिए सेटिंग में जाके देखते हैं। तो सेटिंग ओके, यहाँ पे मैं सिम मैनेजर में चला जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सिम 1 और सिम 2 दिखा रहा है, तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। तो ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका वोल्टी का साइन आ रहा है, जैसे कि देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे देखिए आपका 4G आ रहा है। तो चलिए देखते हैं दोनों ही 4G में काम करता है या नहीं। तो नीचे की तरफ देखेंगे तो सिम में जाता हूँ, सिम 1 में। तो सिम 1 में देखिए यहाँ पे आपका वोल्टी कॉल्स एनेबल है, और यहाँ पे देखिए प्रीफर्ड नेटवर्क में जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए 3G ऑन है सिर्फ, ठीक है, जिसको मैं 4G कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 4G जा चुका है, तो 3G 4G और 2G तो ऑटोमेटिक काम करेगा। तो देखिए टावर आ चुका है। और सिम 2 में भी आपको मैं जाके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सिम 2 में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका प्रीपेड नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर सिम में मेरा जियो 4G है, और 1 नंबर सिम में वोडाफोन है। तो यहाँ पे देखिए जियो 4G में 4G वोल्टी आ रहा है, और यहाँ पे देखिए वोडाफोन में कुछ भी नहीं लिखा है। तो वोडाफोन यहाँ पे 3G और 2G में चल रहा है, मगर यहाँ पे आपको दोनों ही 4G में सपोर्ट होगा। तो चलिए दोनों में यहाँ पे वोडाफोन 4G सपोर्ट नहीं किया है। तो चलिए मैं जियो में ट्राई करके देखता हूँ दो जियो सिम एक साथ काम करता है या नहीं। तो मैं फिर से सिम ट्रे को निकाल देता हूँ। तो देखिए अब मैं दोनों ही सिम में जियो 4G लगा चुका हूँ और एक माइक्रो एसडी कार्ड है। तो चलिए इंसर्ट करके देखते हैं दो जियो सिम एक साथ काम करता है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट और आ चुका है, और वोल्टी भी आ चुका है। तो चलिए देखते हैं, देखिए यहाँ पे वोल्टी भी आ चुका है, और यहाँ पे सिम आ चुका है, और 2 नंबर में अभी भी टावर नहीं आया है। तो चलिए देखते हैं सेटिंग में जाके। तो यहाँ पे देखिए दोनों में टावर आ चुका है, जैसे कि देख पा रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा वोल्टी लिखा है, तो आपको मैं फोकस करके दिखाता हूँ ठीक से। तो यहाँ पे देखिए वोल्टी लिखा है, और नीचे की तरफ देखिए सिम 1 और सिम 2 दोनों में ही वोल्टी लिखा है। तो दोनों ही सिम में वोल्टी आ चुका है, जो कि काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे तो देखिए सिम में जाके दिखाता हूँ आपको मैं। तो सिम 2 में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे कैरियर नेम जियो 4G लिखा है, और यहाँ पे नीचे की तरफ 1 नंबर में जाएंगे तो 1 नंबर में देखिए यहाँ पे भी जियो 4G लिखा है। तो दोनों ही सिम 4G वोल्टी में काम कर रहा है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, काफ़ी अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। और अगर आपके मोबाइल में 4G वोल्टी सपोर्ट नहीं करता है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको सिम में जाना है, सिम में जाने के बाद देखिए यहाँ पे आपको डाटा रोमिंग रहेगा, इसको ऑन कर देना है। जैसे ही ऑन कर देंगे
तो आपका यहाँ पे वोल्टी आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं आता है तो यहाँ पे एक्सेस पॉइंट में जाना है। एक्सेस पॉइंट में जाने के बाद देखिए यहाँ पे आपका जियो 4G लिखा रहेगा और यहाँ पे देखिए नीचे के तरफ जियो नेट लिखा रहेगा। अगर जियो नेट नहीं रहता है तो यहाँ से देखिए आपको रिसेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए ऐड का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे ऐड में जाएंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको APN का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे आपको APN में जियो नेट लिख के सेट कर देना है। जैसे ही सेट कर देंगे आपको यहाँ पे वोल्टी आ जाएगा। तो दोनों ही सिम में 4G वोल्टी काम कर रहा है काफ़ी अच्छे से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो इस मोबाइल में आपको 12 4G वोल्टी का सपोर्ट मिल जाता है। तो एक साथ आप 2 GB सिम लगा सकते हैं, साथ में microSD कार्ड भी लगा सकते हैं 128 GB का, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।